जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए बैंक की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर कितनी बैंक हैं, क्या उसकी डिटेल्स है, कितनी वैकेंसीज टोटल हैं, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सेलेक्शन की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। ये सभी वैकेंसीज आपको मिलने वाली है क्लेरिकल पोस्ट की 2025-26 के तहत यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। ऑनलाइन के माध्यम से 1/7/2024 से लेकर 21 जुलाई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह 1/7/2024 से लेकर और लास्ट 21 जुलाई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो जिसमें कि पूर्व सैनिकों को भी इसकी फैसिलिटी दी जाती है तो 12/8/2024 से लेके 17/8/2024 तक होती है, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। कॉल लेटर जो होगा प्री एग्ज़ाम का 2024 में होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री होगा जो 2024 में होगा। और बात करें इसके फाइनल एग्ज़ाम की तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेन होगा इसका 2/8/2024 में होगा और 2/8/2024 में जो भी इसमें पास हो जाता है या जो क्वालिफाइड हो जाता है उसको यहाँ पर जॉब उसके बैंक में मिल जाएगी। अभी यहाँ पर बैंक कौन कौन से हैं जिनके लिए वैकेंसीज जो है की जाती है या इन वैकेंसीज के द्वारा कौन कौन से बैंक हैं जिनमें कि स्टाफ की पूर्ति की जाती है क्लेरिकल की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी वैकेंसीज के लिए ये टेस्ट किया जाता है। 11 बैंक टोटल हैं तो 11 बैंक के माध्यम से जो बैंक हैं उनमें फिलअप की जाती है। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलेगी। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी से हो, लेकिन जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपका लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अभी यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जिस स्टेट में वैकेंसीज है पूर्व सैनिकों के लिए, साथ में डिसेबल एक्सेस मैन के लिए भी वैकेंसीज है जिसका कॉलम यहाँ पर देख पा रहा हूँ आप लोग, तो ये आंध्र प्रदेश में जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे है पूर्व सैनिकों के लिए 14 है और 2 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के, यानी कि टोटल 16 वैकेंसीज पूर्व। बात करूँ यहाँ पे आसाम की तो आसाम में जो वैकेंसीज है पूर्व सैनिकों के लिए 7 वैकेंसीज है, साथ में डिसेबल एक्सेसमैन के 3 वैकेंसी, यानी कि टोटल 10 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। अभी बात करें यहाँ पे बिहार स्टेट की तो बिहार स्टेट में जो पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज 24 है और 10 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए, टोटल 34 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 4 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए कोई वैकेंसीज नहीं। छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसीज है जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए 11 वैकेंसीज है और 4 वैकेंसीज आपको मिलेगी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। दिल्ली के अंतर्गत 26 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए नॉर्मल और 10 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। अभी गोवा की बात करें तो गोवा में 3 वैकेंसीज है नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 1 वैकेंसी है डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। गुजरात में टोटल जो वैकेंसीज है 24 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है, उसके अलावा 9 वैकेंसीज है जो कि डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। हरियाणा के अंतर्गत 20 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, 7 वैकेंसीज डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई। हिमाचल में 6 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, 2 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पर मात्र 2 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्स सर्विसमैन के लिए है। झारखंड में 7 और 10 वैकेंसीज हैं, 7 नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 3 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए रिजर्व की गई है। कर्नाटका में 44 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 19 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। केरला की बात करूँ तो यहाँ पर 16 वैकेंसीज है, 15 नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 1 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। लद्दाख के अंतर्गत कोई वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। लक्षद्वीप में भी कोई वैकेंसी नहीं है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 34 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, 15 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। महाराष्ट्र में काफ़ी वैकेंसीज मिलेगी आपको, 60 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए नॉर्मल और 26 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। बात करें यहाँ पे अन्य स्टेटों में जिसमें कि यहाँ पर उड़ीसा की बात की गई है, 11 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए नॉर्मल है और 3 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। पंजाब में 41 वैकेंसीज नॉर्मल पूर्व सैनिकों के लिए है, 17 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। राजस्थान के अंतर्गत 28 वैकेंसीज है, 19 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 9 वैकेंसीज है
डिसेबल एक्सेस पे, तमिलनाडु के अंतर्गत 68 वैकेंसीज पूर्व सैनिक नॉर्मल के लिए है और 25 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। तेलंगाना में 12 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 3 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। अब यहाँ पे त्रिपुरा में मात्र 1 वैकेंसीज है। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पे 125 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 54 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। उत्तराखंड में मात्र 3 वैकेंसीज है, दो वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए दी गई। वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो यहाँ पे 34 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 13 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए दी गई। तो इतनी वैकेंसीज हैं पूर्व सैनिकों के लिए टोटल। अब यहाँ पर जो एज रखी गई है, अपर एज 28 ईयर है, 20 साल से 28 साल है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, साथ में डिसेबल एक्सेसमैन के लिए भी। नॉर्मल आपकी जितनी एज है उसमें से आपने जितनी सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 और यहाँ पर माइनस कर देनी है, तो आपकी एज कैलकुलेट करके 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी डिसेबल एक्सेसमैन बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर 8 साल की और छूट दी गई है और मैक्सिमम जो एज लिमिट यहाँ पे है 50 साल दी गई है, तो काफ़ी छूट यहाँ पर मिलने वाली है। अभी बात करूँ यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो डिग्री जिन्होंने की यानी ग्रेजुएशन जिन्होंने भी किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से, चाहे आपने BSc किया है या BA किया है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे जो बात मेंशन की गई है कि एक्सेसमैन जो भी जिनका भी सिविल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे डिग्री बताई गई है वो नहीं है और वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन जो कि नेवी एयरफोर्स और आर्मी के द्वारा संबंधित 15 साल करने के बाद दिया जाता है वो आपके पास है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर फीस की बात करूँ तो यहाँ पर ₹175 जो कि पूर्व सैनिक और डिसेबल एक्सेसमैन के लिए रखा गया है, बाकी के लिए ₹850 यहाँ पर फीस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम होगा उसकी जानकारी दी गई है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। टोटल यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 होंगे और 100 मार्क के होंगे, लेकिन इसको आपका ध्यान रखना होगा कि टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट सेपरेटली टाइम। यदि आप इंग्लिश को सॉल्व कर रहे हैं तो 20 मिनट के लिए आपका इंग्लिश का पेपर लॉक हो जाएगा, आपको इंग्लिश का ही सॉल्व करना पड़ेगा। उसी तरह से किसी का भी आप सेक्शन में भी घुस जाते हैं, रीजनिंग एबिलिटी यदि आप उसमें चले गए तो 20 मिनट के अंतर्गत आपका रीजनिंग एबिलिटी ही आपको देखने को मिलेगा, रीजनिंग का ही पेपर देखने को मिलेगा। दूसरे पेपर में जाने के लिए 20 मिनट का इंतज़ार आपको करना होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मेन एग्ज़ाम होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे दोनों में क्वेश्चन होंगे, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और 35 मिनट का टाइम है, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट का टाइम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल बात करो तो 190 क्वेश्चन है, 200 मार्क के टोटल हैं और 160 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा और टाइम अलॉट ईच जो प्रत्येक टेस्ट है सेपरेटली उसके हिसाब से, जैसे कि मैंने पहले बताया था उसी के हिसाब से आप जिस भी सेक्शन में घुस जाते हो उसका जो 35 मिनट का टाइम या 40 मिनट का टाइम है उसको कंप्लीट होने के बाद ही आप दूसरे सेक्शन में सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी जो कि 0.25 यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर जो आप किसी दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, पास भी हो जाएंगे, लेकिन उस स्टेट का आपको लैंग्वेज बोलना लिखना आना चाहिए और उसका एक बायदा कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद एक टेस्ट भी होगा। अभी बात करें यहाँ पे सैलरी, तो स्टार्टिंग जो सैलरी यहाँ पर है ₹24,050 पर मंथ के हिसाब से है। उसके अलावा यहाँ पर DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह यहाँ पे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करूँ मैं एक पूर्व सैनिक की, यदि पूर्व सैनिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है तो उसको यहाँ पर पे प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो उसकी जो सैलरी होगी लगभग स्टार्टिंग भी कम से कम अच्छी खासी होगी, 50-60 से ऊपर जाने वाली है, लगभग 60 से ऊपर।
तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है जो भी इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पे प्रोमोशन यहाँ पर दिया जाता है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।